मकसद यही है कि जो अपना रांची नगर निगम है वो हम लोग को पिछले 7-8 साल से ओनरशिप का गाड़ी का ओनरशिप बनाया और रजिस्ट्रेशन करवाई जो कि 6 इंची गाड़ी के लिए उन्होंने परमिशन बंद किया और 4.5 इंची गाड़ी के लिए परमिशन दिया। परमिशन देने के बाद हम लोग से 20,000 रुपये का अनुदान देकर उसे रजिस्टर्ड कराया हर एक गाड़ी को। अब गाड़ी जब 4.5 इंची बोरिंग करती है और 4 साल से जो बोरिंग कर रही है उस गाड़ी को कल हमारे एक मित्र हैं जिनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया और बोला गया कि वो 6 इंच का बोर कर रहा है जबकि ऑलरेडी वो 4 इंच गाड़ी में रजिस्टर्ड है उस नगर निगम में। रजिस्टर होने के बावजूद भी उनके कुछ बंदे गए इन्फोर्समेंट टीम जो बोलते हैं जो कि राजेश साहू नाम का अध्यक्ष हैं उसके जो गए वहां जा करके गाड़ी को बोले कि 6 इंच का बोर कर रहा है और वो गाड़ी को रेस्क्यू करके अपने गोडाउन अपर बाजार में ले जा करके बकरी बाजार में रिपोर्ट कर दिए। अब यहाँ मैटर ये उठता है कि अगर उन्होंने हमें 4 इंच का परमिशन दिया है तो क्यों गाड़ी को 6 इंच बताकर पकड़ा गया। हम लोग गलत नहीं है, जहां गलत रहेगा वो पकड़े, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गलत नहीं है 4 इंच के लिए आप परमिशन दिया है और अगर हम 4 इंच का बोर कर रहे हैं तो उनको ये चीज नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग को हमारे बोरिंग फील्ड को बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो गगन जी, पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है या हमेशा इस तरह का मामला सामने आते रहा है? हमेशा आते रहता है, हर गर्मी में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो क्या आपने कभी कंप्लेन वगैरह? कंप्लेन हम लोग कुछ लोग मिलके वहां गए थे, बात किए थे, तो वहां से हम लोग से कुछ अधिकारी लोग बोले कि ठीक है भाई, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आया है तो हम लोग को आप खाली रिपोर्ट बताएं कि कहां कहां कब बोरिंग कहां हो रहा है ताकि हमारा डाटा क्लियर हो सके। तो उस बात पे हम लोग डाटा भेजना चालू किए जबकि हम लोग नहीं चाहते थे, फिर भी ठीक है अगर ऊपर से आदेश आया तो हम डाटा देंगे। देने के कारण अभी क्या है, अब उस डाटा को लेकर के इन्फोर्समेंट टीम हर गाड़ी पे पहुंच रही है और कुछ ना कुछ करते हैं। हम 4 इंच बोर करने का जगह में 4 इंच बोरिंग कर रहे थे और उन्होंने आके हमको बोला कि 6 इंच बोरिंग कर रहे हैं, अब लोहा पाइप क्यों डाले। और उसका बाद में मेरा गाड़ी को बोले कि गाड़ी निकालिए यहाँ से, हम जैसे गाड़ी निकाले और उसका बाद में उन लोगों को चार्ज किया कि भाई देखिए ऐसा ऐसा आप लोग गाड़ी भागा कर ले जा रहे हैं। तो हमको पहले गाड़ी बोला कि गाड़ी को साइड कीजिए, हम साइड जब करने लगे तो ये लोग बोला कि आप लोग गाड़ी भागा कर ले जा रहे हैं। अब मेरा आदमी को जो है मेरा आदमी को ऊपर में विलम्ब लगा रहा है कि आप लोग गाली दे रहे हैं, आप लोग को मारने भी दौड़ रहा है ये लोग। क्या वजह है सर ऐसा, क्या वजह है जब आप 4 इंच का बोरिंग कर रहे थे 6 इंच का आरोप लगाया जा रहा है, वजह क्या है? वजह है यही है कि पैसा लेने का चक्कर में, मतलब फर्जी तरीके से आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं पैसा का। हाँ हाँ एकदम सही बात है। कुछ अमाउंट बोला है? अमाउंट तो नहीं बोला है लेकिन ये लोग मोटा रकम चाह रहा था देने के लिए, मांगने का चाह रहा था लेकिन हम लोग को नहीं दिया, मामला गड़बड़ा गया, इसी का चलते गाड़ी को ले गए हैं वो लोग। अभी पिछले 2 साल से कोरोना के कारण सब कुछ बंद हुआ पड़ा था। एकदम सही बात। और उसके बाद अब से काम चालू हुआ है, तो क्या आप लोग ये भी कहना चाहते हैं कि कोरोना के बाद आप लोग जब रोजी रोटी शुरू कर रहे हैं तब ये लोग परेशान कर रहे हैं नगर निगम आदमी सब? तो क्या कुछ सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे? तो हम लोग को लगाना चाहिए यही कि भाई कम से कम हम लोग का गाड़ी को सुरक्षित दिया जाए, हम लोग का गाड़ी को जो है ई कर दिया जाए, परेशानी नहीं करे, स्टाफ पर ट्रांसफर हो, रोजगार। और एक गाड़ी से कई लोगों को रोजगार भी मिलता होगा? हाँ, मेरा गाड़ी में 50 आदमी 100 आदमी का रोजगार मिलता है। सब पर परेशानी आ गई। इसमें टेक्निकल इशू है, जैसे हम लोग 4.5 इंची का जो बोरिंग 4 इंची का बोरिंग बोला जा रहा है ना, उस बोरिंग के लिए कहीं कहीं ऐसा जगह आता है जो नीचे का फॉर्मेशन जो होता है तो उसमें क्ले आता है, कोलैप्स होने की चांस होती है, जिसके लिए हम लोग को एक 7 इंची का कैसिंग डालना पड़ता है, पाइप को डालना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए, सॉइल प्रोटेक्शन के लिए, तो सॉइल वापस ना आए। और उसके बाद उसको डालने के बाद कुछ दूर वो डाला जाता है जहां तक सॉइल लूज होता है, उसके बाद उसके अंदर हम लोग 5 इंची का पाइप डालते हैं, जिसके बाद
चार इंची का बोरिंग हो। जी मेरा नाम शंकर वर्मा है और मैं मुर्गन गाड़ी का प्रतिनिधि हूँ, है ना। ये रांची नगर निगम के जितने भी इन्फोर्समेंट टीम के जो सदस्य हैं, जो खाकी वर्दी पहन के आते हैं, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा नगर निगम से कि ये जितने भी हैं उनके इन्फोर्समेंट टीम के, वो सारे लोगों को ट्रेनिंग दे कि 4 इंची का डायमीटर क्या होता है और 7 इंची का डायमीटर क्या होता है। पहले उन लोगों को वो ट्रेनिंग दे, उसके बाद वो हमारे पास आए। आने के बाद फिर उनको फिर हम बताएंगे। हमारा साथ भी ऐसा घटना घट चुका है, है ना। वो जबरदस्ती में ही बोलने लगे कि ये 7 इंच का है, 7 इंच का बोरिंग हो रहा है, 6 इंच का बोरिंग हो रहा है, आपके पास 7 इंच का कैसे है। हमारे गाड़ी में वो डायमीटर रहता है, एक बिट होता है जिससे हम लोग ड्रिल करते हैं, उसका साइज होता है 4 इंच 4.25 इंच मैक्सिमम 4.5 इंच। हमने उनको सारा सब कुछ दे दिया, टेक्निकल जो उसका इशू होता है कि वे देख लीजिए भाई, हमारे पास डायमीटर भी है और नापने का मीटर भी है। हम लोगों के पास एक गेज होता है, उसके साथ स्केल होता है, उसको आप नापिए, नाप के देखिए ये 4 इंच है या फिर 6 इंच है। फिर हमने उनको संतुष्ट कराया, गेज के माध्यम से हमने उनको संतुष्ट कराया, ये देखिए ये 4.25 इंच का हम लोग बोरिंग कर रहे हैं, ये 7 इंच का जो पाइप है, ये पाइप हम लोग वो मिट्टी को रोकने के लिए जहां जरूरत पड़ती है वहां पे लगाते हैं, 10-20 फीट मैक्सिमम, 20 फीट 30 फीट, कहीं पे बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे सोल होता है तो वहां पे लोग 50 फीट भी लगाते हैं। वो जब संतुष्ट हुए हमारे बात से तब बोले अच्छा ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, सो कुछ खर्चा पानी हम लोग को दे दीजिए। हम तो फिर हम जवाब भी दिए कि हम खर्चा पानी क्या दे, नगर निगम आपको तनख्वाह नहीं देती है क्या जो आप हम लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं। फिर वो लोग वापस वहां से चले गए। तो हमारा ये निवेदन होगा नगर निगम से कि वो पहले उन लोगों को ट्रेनिंग दे कि 6 इंच का डायमीटर क्या होता है और 7 इंच का क्या होता है, उसके बाद वो फिर अपने मार्केट में आए, वो अपना देखे, अपना सर्च करे जहाँ पे। सुदेश चौधरी, मीडिया प्रभारी, रांची रिग एजेंट एसोसिएशन। हमारी कुछ मांगे हैं जो माननीय नगर आयुक्त महोदय के पास हम लोग रखना चाहते हैं। सबसे पहली मांग ये है कि आपके पास जो एनफोर्समेंट टीम आपने जो गठन किया है विगत 2014-15 के बाद से, उनका वर्दी का कलर जो है वो खाकी है, और खाकी वर्दी का कलर जो है बहुत लोगों के, लोग डर जाते हैं उसको देख करके कि भाई पुलिस आया है या एनफोर्समेंट टीम आया है। कोई पुलिस पर ब्लेम लगाता है, कोई एनफोर्समेंट टीम पर ब्लेम लगाता है। इसलिए आपसे मांग है कि आप उनकी वर्दी का कलर को खाकी से हटा के कुछ और कीजिए। वो कोई JPSC के थ्रू नहीं आए हैं, उनका बहाली जो हुआ है मिलिट्री से जो रिटायर होते हैं उनका प्रावधान को देखते हुए वो उनसे डिग्री मांगा गया है। आप उनको ग्रीन कलर का वर्दी दीजिए ताकि हम लोग भी, हमारा भी स्टाफ लोग देखकर भयभीत नहीं हो। वो लोग गरीब बच्चा है, खाकी वर्दी देखता है डर के भाग जाता है। कल का ही वाक्य है, कल गाड़ी हमारी चल रही थी हटिया में, इन्फोर्समेंट टीम आए, अशोक साहू जी आए, राजेश साहू जी आए, उनके पास हम लोग, हम खुद उनसे फोन पर बात किए, बोले कि सर ये 6 इंच का बोरिंग नहीं हो रहा है, 6 इंच का बोरिंग करने के लिए 1200 प्रेशर की गाड़ी होनी चाहिए, 600 प्रेशर की गाड़ी में 6 इंच का बोरिंग नहीं होता है। वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो रिजिड हो गए, क्या पता किस बात को लेके। उन्होंने मुझे यहां तक बोला कि मैं हटिया में भी देख लूंगा आपको और पिस्का मोड़ में भी देख लूंगा आपको। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि वो एनफोर्समेंट टीम के अफसर है या कहीं के रंगदार है। अगर ऐसा बात है तो बोलिए, हम लोग एसोसिएशन मिलकर हम लोग उनसे पिस्का मोड़ में मिल लेंगे और हटिया में मिल लेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर अगर 6 इंच की बोरिंग होगी तो आपका फाइन, अगर 1 लाख होगा तो 1 करोड़ रुपया फाइन भरा जाएगा, अगर वो 6.5 इंच का बोरिंग नहीं होगा तो फिर आप क्या हारेंगे ये बताइए। आप अपने टीम को बुलाइए, आप अपने टेक्निकल, आपका जो टेक्निकल इंजीनियरिंग सेक्शन उनको बुलाइए, वाटर बोर्ड को बुलाइए, सभी कोई को बुलाइए। गाड़ी अभी उसी पॉइंट पर जाएगा, वहीं पर खड़े होंगे। यहां तक कि नगर आयुक्त महोदय से भी रिक्वेस्ट किया हमने, उनको बोला आप उनको भी बुलाइए, अगर हमारा गाड़ी 6.5 इंच का ड्रिल करता है और कर रहा है तो हम उसके दोषी हैं, और अगर नहीं कर रहा है तो इनका जो हम लोगों के प्रति जो भेदभाव की भावना है उसको उनके दिमाग से हटाना होगा। उन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे उनको पूरा रांची का मालिक बना दिया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।